विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर व उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा की हुई बैठक। अब खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत जिले हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त 52 चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री अन बलागन पी 53, मझगांव विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री मनोज गोयल 54, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य प्रेक्षक श्री प्रबल सेपाहा 55, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री एस प्रभाकर 56, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री दिनेश जैन एवं सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु पुलिस प्रेक्षक श्री अंशुमान भूमिया एवं 52 53 54, विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक श्री वरु बुरु श्रीधरवा 55 56, विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक श्री विवेकानंद मौर्य के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर व उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा की मौजूदगी में सभी कोषांग के पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रेक्षक द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारी से परिचय प्राप्त करने के उपरांत जिला की भौगोलिक एवं सीमांत क्षेत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान, तदुपरांत जिले में अवस्थित मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया संचालन के लिए उपलब्ध संसाधन, कार्य बल, सुरक्षा बिंदु, चेक नाका क्रियान्वयन आदि की जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रदान की गई। बैठक के दौरान सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक को कार्मिक कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, अनुमति कोषांग, वाहन कोषांग, स्वीप कोषांग, वेलफेयर कोषांग, मतपत्र कोषांग सहित सभी कोषांगों में संपादित कार्यों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस क्रम में पोस्ट वैलेट के माध्यम से होम वोटिंग, मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों से संबंधित रूट चार्ट एवं आवागमन व्यवस्था, स्थानांतरित गंभीर संवेदनशील मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी को भी पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बैठक में प्रेषक के द्वारा बताया गया कि हम सभी का एकमात्र लक्ष्य स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करवाना है।